बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा का परिवार माफ कीजिएगा रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पितृक गांव घमंडा में अंतिम संस्कार किया गया। कमांडो की पार्थिव देर सुबह 11 बजे दिल्ली से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां से पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के वाहन में सड़क मार्ग से पितृक गांव घमंडा के लिए रवाना हुआ था, जो करीब 1:30 बजे गाँव पहुंची थी। शहीद के सम्मान में भोपाल से लेकर सीहोर तक जगह जगह लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर शहीद को श्रद्धांजलि देने धामदा पहुंचे और उन्होंने वहां दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की। इसके अलावा सरकार ने जितेंद्र की प्रतिमा में भी लगाई। तो गांव में शहीद जितेंद्र वर्मा की प्रतिमा भी लगाई है। तो आज हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जवान के अंतिम संस्कार किया गया था सीहोर में, और इस दौरान सीएम वहां पर मौजूद थे और सीएम द्वारा बड़ा ऐलान किया गया जहां पर शहीद के परिवार को 1 करोड़ सम्मान निधि राशि देने की घोषणा सीएम ने की। इसके साथ ही गांव में एक स्कूल का नाम भी शहीद जितेंद्र के नाम पर रखने की भी घोषणा की। इसके साथ शहीद में बच्चों के नाम अब हमारा परिवार है, देश का प्रदेश का परिवार है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता शासकीय सेवा में दिया जाएगा और ग्रामवासी हमारे करण सिंह जी और बाकी सब लोग मिलकर जैसा तय करेंगे यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा और गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैं उनके चरणों में बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बेस्ट स्टाइल पर थे और चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या बाकी परफॉर्म करने का मामला होना, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर बरूर रहे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये परिवार अब हमारा परिवार है, देश का प्रदेश का परिवार है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता शासकीय सेवा में लिया जाएगा और ग्रामवासी हमारे करण सिंह जी और बाकी सब लोग मिलकर जैसा तय करेंगे यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा और गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैं उनके चरणों में बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।